तीनों के बैकग्राउंड को जान लीजिए कि तीनों हैं कैसे और क्या करते रहे। लवलेश तिवारी, वीडियो में आदमी आपको दिख रहा होगा, यह बांदा जिले का है और छटा हुआ आवारा है बदमाश। कभी कभार मुंह उठाए घर चला जाता है, खाता है, सो जाता है और फिर कहीं निकल जाता है। कई दिन बाद फिर लौटता है। पिता और भाई का कहना है कि उससे हमें कोई मतलब रहता नहीं। 5-6 दिन पहले बांदा आया था। लवलेश के खिलाफ 4 केस हैं। इनमें से एक मामले में उसे महीने भर की सजा भी हुई थी। दूसरा मामला लड़की को थप्पड़ मारने का है, जिसमें उसे 1.5 साल की जेल हुई थी। जेल काट चुका है। यह लुहेड़ों, लंपटों, लंठों की जमात का है जो बार बार अपराध करता है। मम्मी पापा है तो मम्मी पापा पूरी तरीके से डिप्रेस्ड है और वो थोड़ा बीमार भी चल रहे हैं। तो क्या वो थोड़ा नशा पत्ती में था तो घर वालों से कोई मतलब नहीं था उसका, और मैं भी ज्यादा मतलब नहीं रखता था क्योंकि मैं पढ़ाई में ज्यादा रहता था। कभी कभी आया जाया करता था, कभी बताता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। कभी 1 हफ्ता, कभी 10 दिन, कभी 2-4 दिन में ही आ जाते थे। उसके बाद अभी हाल ही में 2-3 साल में जब से जेल से छूटे थोड़ा चेंज हो गए थे। अभी हाल ही में दो तीन साल हो गए जब से ये जेल से छूटे हैं, तब से लगा। ये परिवार है। अतीक और उसके भाई अशरफ को मारने वाला दूसरा हमलावर है सनी सिंह। यह यूपी के हमीरपुर जिले का है। माँ बाप गुजर चुके हैं। एक भाई है जो घर पर चाय की दुकान चलाता है। सनी पर 15 केस दर्ज है। हिस्ट्री शीटर है। हिस्ट्री शीट नंबर है 281A। और भाई कहता है कि बचपन में ही घर से भाग गया था, पिछले 10 साल से घर लौटा नहीं। यानी कि निपट आवारा और घर परिवार से कटा हुआ आदमी है, जिसको ना जीने से मतलब है ना मरने से कोई लेना देना। हाड़ मांस का चलता फिरता हथियार जो किसी के खून खराबे के काम आ सकता है। क्या करता था ये? ऐसे घूमता फिरता रहता था। कुछ मामले हमले भी दर्ज किए उसको? जी सर। कितने लोगों को मामले दर्ज? मालूम नहीं है सर। क्या भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई थे सर, एक भाई खत्म हो गया मेरा। अच्छा जी। सनी कब से नहीं रहता यहाँ? ये काफी दिन हो गए सर। सनी अपराधी कैसे बना? अपराधी सर जाके ऐसे ही जाके घूमता फिरता सर, बस फालतू के काम जाके अन्नबन और क्या। जो तीसरा हत्यारा है उसका नाम है अरुण मौर्य, उसे कालिया भी लोग कहते। करीब 15 साल पहले माँ बाप की मौत हो गई। 6 साल से अरुण घर नहीं गया। 2 भाई हैं जो फरीदाबाद में कबाड़ का काम करते हैं, और उसके ऊपर एक पुलिस वाले की हत्या का अपराध दर्ज है, जिसके चलते वह फरार चलता है। यानी यह भी बचपन से ही छटा बदमाश। तीनों के तीनों घर परिवार से कटे हुए, अपराध में लंबे समय से डूबे हुए और जाहिल किस्म के। हम बताना भाई बिना बम में तो है ही ना, तो इतने छोटे जवाई से चले गए, हमें ना मालूम कहाँ रहता है। वो कब से यहाँ आते थे? आता ही ना, मैंने कहीं तो मैं जगह लू, जमीन लू, बनाए लू। नहीं वो कब से नहीं आए यहाँ पर? जान बहुत दिन से ना आए यहाँ पर। अभी जल्दी में बताया गया कि घूमने आए? जल्दी में तो आए ही ना यहाँ। मैंने की खेती पर ही, हमने भी खेती 6 साल पहले गए थे यहाँ से। चले होंगे अरुण होंगे कोई 10-11 साल से। यहाँ उनका क्या क्या जगह पर ही जाए? जितनी हमारी जितनी उन्हें भी मेरे और कोई ना जानकारी है ना अरुण के, मुझे और पता।